हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बनाने जा रही हूँ मक्खन फेस उपटन, जिसे बनाना बहुत आसान है। और इसे लगाने से आपकी जो त्वचा है वो मक्खन की तरह मुलायम, सॉफ्ट और शाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि जो मक्खन होता है उसके कई तरह के फ़ायदे होते हैं, खाने में भी और लगाने में भी। तो यहाँ किस तरीके से मैं उपटन बना रही हूँ वो आप ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। तो यहाँ पे मैंने मक्खन लिया है, ये आप वाइट मक्खन देख रहे हैं, और साथ में मैंने जो है यहाँ पर 1 चम्मच के करीब बेसन डाला है। साथ ही बेसन डालने के बाद इसमें जो है चुटकी भर में हल्दी भी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपको हल्दी ऐड कर लेनी है, और ये रोज़ वाटर की कुछ बूंदे हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये इसी तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। क्योंकि हमें इसका एक टाइट डोज बनाना है, तभी ये हमारे चेहरे पर उपटन का काम करेगा। अगर हम इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं तो ये एक पैक बन जाएगा, पर हम इसे पैक नहीं बनाना है, हमें इसे उपटन बनाना है। सिर्फ हमें इसे अपनी त्वचा पे अच्छे से मसाज करनी है, और आप देखेंगे कि आपकी त्वचा कितनी ज़्यादा मुलायम हो गई है। और इसका जो फ़ायदा होता है, स्पेशली विंटर के टाइम पे होता है, अगर आप इसे गर्मियों में भी यूज़ कर रहे हैं तो जिनका फेस काफ़ी ज़्यादा ड्राई है वो इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप फ्रेश बना करके जो है अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितना आसान है इसको बनाना, और देखिए फ्रेंड मैंने कितने अच्छे से बना लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है, और अब हम इसको जा रहे हैं अपने चेहरे पे लगाने। तो चेहरे पे लगाने के लिए किस तरीके से आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये पूरा तैयार हो गया है चेहरे पे लगाने के लिए। ये देखिए इस तरीके का ये उपटन बनके तैयार हो गया है, ये देखिए। और अब क्या करना है, इसको लगाने का तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये भी कहूँगी फ्रेंड, जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, और जिन्होंने फ्रेंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ले करके इस तरीके से फेस पर अप्लाई करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखिए इसी तरीके से आपको करना है, इसे लगाकर छोड़ना नहीं, अपने फेस पे इससे मसाज करनी है, उसके बाद अपने चेहरे को पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। तो इससे आपके चेहरे में निखार तो आएगा ही, साथ ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, और आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है मक्खन, और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होता है।